हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि टेंकल हार्ट की कटिंग कैसे लगाएं और उसकी केयर कैसे करें। आइए देखते हैं लास्ट तक पूरा वीडियो। ये देखिए टेंकल हार्ट की कटिंग जो मैंने एक हफ्ते पहले लगाई थी और आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई। ये देखिए ऊपर कोलियस का प्लांट्स है और नीचे मैंने टेंकल हार्ट की कटिंग लगाई थी। आप भी इस तरह लगा सकते हो, ऊपर कोई सा भी प्लांट से लगा सकते हो और नीचे टेंकल हार्ट की कटिंग लगा सकते हो, जिससे गमला और भी सुंदर लगे। ये मेरा कोलियस का प्लांट से ऊपर लगते रहेगा और नीचे टेंकल हार्ट की कटिंग लटकते रहेगी, तो मेरा गमला और भी सुंदर लगेगा इस तरह, देख सकते हो आप। और इस प्लांट्स को आप ज़्यादा पानी मत दीजिए, अगर आप ज़्यादा पानी दोगे तो प्लांट से खराब हो जाएगा। इसकी पत्तियों में भरपूर मात्रा में पानी होता है, इसलिए आप ज़्यादा पानी मत दीजिए। इस प्लांट्स को आप ज़्यादा सनलाइट में भी नहीं रख सकते, अगर सनलाइट में रखोगे तो इसकी पत्तियाँ इस तरह पीली पड़ जाएगी, ज़्यादा ग्रीन नहीं दिखेगा। अगर टेंकल हार्ट की कटिंग अगर आप हैंगिंग बास्केट में लगाओगे तो और भी सुंदर दिखेगा। ये देख सकते हैं, मैं इसी तरह मैं इसमें भी लगा कर दिखाऊंगा आपको, ये भी एक हफ्ते में अच्छे से लग जाएगा। इस प्लांट से की कटिंग लगाना सबसे सरल है, इसको आप ऐसे रख भी दोगे तो लग जाएगा। इसको ऐसे रख दीजिए और उस पर ऊपर से कोकोपीट या मट्टी डाल दीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगा। ये देखिए मैंने इस तरह रख दिया है, इसके ऊपर से मैं बाद में कोकोपीट या मट्टी डाल दूंगा तो बहुत जल्दी लग जाएगा और 4 से 5 ब्रांच निकल आएगी। अब टेंकल हार्ट की कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हो, ये पत्ती से भी लग जाता है, अगर आप पत्ती भी लगाओगे तो पत्ती से भी लग जाएगा, बस पत्ती का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये देखिए मैंने इस तरह लगा दिया है, आप भी इस तरह लगा सकते हो, छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है टेंकल हार्ट की, अब इसे रख भी दोगे तो लग जाएगा। बस कटिंग लगाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि 1-2 दिन छाया में रख दीजिए। अगर आप इस प्लांट्स को 1 या 2 घंटे के लिए सनलाइट में रखोगे तो ये और भी अच्छा रहेगा, इसकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। आप देख सकते हो मेरे टेंकल हार्ट की कटिंग जो मैंने लगाई थी उसकी पत्तियाँ कितनी ग्रीन है और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये देखिए मैंने टेंकल हार्ट की कटिंग में अगर आप चाहो तो बहुत सारे प्लांट्स कर सकते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह आप किसी भी जगह लगा सकते हो, ज़मीन पे भी लगा सकते हो। ये इस तरह मैं छोटी से छोटी कटिंग इसमें थैली में लगा दूंगा, जिससे मेरे पास टेंकल हार्ट के बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे, जिससे मैं हर गमले में लगा सकता हूँ और हैंगिंग बास्केट में, और मेरी बालकनी गार्डन को और भी सुंदर बना सकता हूँ। आप भी इस तरह छोटी से छोटी कटिंग लगा सकते हो और अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हो। अब इस प्लांट्स को इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो, दोनों जगह बहुत अच्छे से चलता है। ये देखिए मैंने लगा दिए, ये भी 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में पूरा भर जाएगा, फिर मैं इसी में से कटिंग लेकर दूसरे गमले में लगाया करूँगा। ये देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है, इस तरह आप भी लगा सकते हो। ऊपर कोलियस का प्लांट से मैंने लगाया है और नीचे टेंकल हार्ट की कटिंग लगाई है, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, ये लटकते हुए और भी सुंदर लगता है। ये देख सकते हो आप,
ये छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस निकलती रहती, अगर आप ऐसे रख भी दोगे तो ऐसी ब्रांचेस निकलती रहेगी और आपका गमला और भी जल्दी भरेगा। इसकी पत्तियों में भरपूर मात्रा में पानी होता है, इसलिए इस प्लांट्स को आप 1 या 2 हफ्ते में 1 से 2 बार पानी दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।